हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर गुरु चैनल से मैं हूं सुनीत कुमार और आज आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेके आया हूं जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कि विंडो सर्वर 2008 के अंदर हम DHCP कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। DHCP मीन्स डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल को हम कैसे जो है कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं सर्वर मैनेजमेंट में आता हूँ। जैसे कि ऑलरेडी हमने सर्वर 2008 इंस्टॉल कर रखा है तो मैं सर्वर मैनेजमेंट अपना खोलता हूँ। जैसे ही हम सर्वर मैनेजमेंट को खोलेंगे तो ये विंडो आपको दिखाई देगी। इसके अंदर सबसे पहले रोल्स में जाएंगे हम और रोल्स के अंदर आप डायरेक्ट यहाँ से राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हो। जैसे कि कॉन्फ़िगर हो रहा है तो मैं राइट क्लिक करूँगा, देखिए ऐड रोल्स, या यहाँ से भी डायरेक्ट आप ऐड रोल कर सकते हैं, कहीं से भी कर लें। ऐड रोल पर क्लिक करता हूँ मैं। जैसे ही ऐड रोल पर क्लिक करूँगा तो ये पूरे सर्वर के रोल आएंगे। अभी नेक्स्ट करता हूँ। देखिए इतने रूल्स जो है हम लोग कर सकते हैं। DHCP सर्वर हमने बनाना है तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये दिखा रहा है कि इंस्टॉल DHCP सर्वर जो है विदाउट IP एड्रेस। तो एक्चुअली मैंने IP एड्रेस मशीन में नहीं डाला हुआ, तो ओके मैं पहले IP एड्रेस डाल देता हूँ मशीन के अंदर, बिकॉज कि बिना IP एड्रेस के जो है DHCP सर्विसेज जो है इंस्टॉल नहीं हो सकती। ओके, तो मैं IP एड्रेस जो है पहले कन्फिगर कर लेता हूँ। ये देखिए नेटवर्क सेटिंग में जाके आप IP4 को सेट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो अभी मैं ऑटोमेटिकली IP को कर देता हूँ ख़त्म। ये 10.0.1 मैंने एक IP डाल दिया, कोई भी IP एक आप डाल दो। तो एक IP डालने से क्या हो जाएगा, आपका अभी सिस्टम जो है DHCP सर्विस के लिए रेडी है। ओके, अभी एक बार IP को हम चेक कर लेते हैं कि जो मैंने IP डाला है ये सही है कि नहीं। IP कॉन्फिग करके कमांड मारेंगे तो देखिए मेरा IP 10.0.1 जो है दिखाई दे रहा है। ओके, इट मींस कि IP लगे। दोबारा अभी हम चले जाएंगे रोल्स में और रोल्स में जाके दोबारा हम इसके रोल असाइन करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे हम रोल। ऐड करते ही नेक्स्ट करेंगे तो देखिए DHCP सर्वर को चेक करेंगे और नेक्स्ट करूँगा। ओके, यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ओके, वो हम बाद में जान लेंगे। तो मैं अभी यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। ओके, हाँ नेक्स्ट करते ही ये यहाँ पे अभी हमें दिखा रहा है नेटवर्क करेक्शन की इस NIC कार्ड के ऊपर ये IP वो असाइन करना चाह रहा है हमारे सर्वर के लिए। अगर मेरे पास एक या एक से ज़्यादा NIC कार्ड हैं तो मेरी ऑप्शन होती है मैं किसी भी एक NIC कार्ड को चूज़ कर दूँ। मेरे पास एक ही है तो बाई डिफ़ॉल्ट मैं इसी के ऊपर चेक रखूँगा और यही मेरा जो NIC कार्ड है ये IP के लिए जो है यूज़ होगा। तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट करता हूं क्योंकि मेरे पास एक ही कार्ड है, अभी दूसरा नहीं है, दूसरा होने से मैं दोनों में से एक करता हूं। ओके, मैं भी नेक्स्ट करता हूं। नेक्स्ट किया, हाँ ओके। IP4 का DNS सर्वर सेटिंग पूछ रहा है तो मैं यहां पे भी कर सकता हूं, बाद में भी कर सकता हूं। ओके, उसके बाद विन सर्विस पूछ रहे हैं तो विन सर्विस जो है वो भी अभी करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि नेम के लिए होती है जैसे DNS सर्विसेज होती हैं तो इसको भी हम बाद में करेंगे, अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ओके नेक्स्ट, तो DHCP स्कोप को इसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। DHCP स्कोप को नेक्स्ट बाद में कर लेते हैं, अभी नेक्स्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। अनेबल DHCP एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर सर्वर्स के अंदर या डिसेबल DHCP। ओके, मैं अभी इसको डिसेबल ही रखता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, बाद में देखेंगे क्योंकि ओके इंस्टॉल मैं कर देता हूँ अभी। तो देखिए हमारा DHCP सर्वर जो है इंस्टॉलेशन जो है शुरू हो गया है। तो DHCP सर्वर थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारा सर्वर। तो DHCP सर्वर्स देखिए अभी इंस्टॉल्ड हो गया है ये, तो क्लोज़ करो इसको, क्लोज़ पे गए। अभी इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ तो इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। तो अभी मैं दोबारा DHCP सर्वर पे जा, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे जाके DHCP पे जाएंगे और ये DHCP हमारा सर्वर खुल गया। ओके, DHCP के अंदर हम लोग अभी जाते हैं, DHCP के अंदर IP4 में जाके IP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके मैं जो है न्यू स्कोप पे क्लिक करके न्यू स्कोप को डिज़ाइन करता हूँ। तो सबसे पहले स्कोप का नाम जो हम टेस्ट दे देते हैं, कोई भी रख सकते हो। तो अभी यहाँ पे इस DHCP में स्टार्टिंग IP और एंडिंग IP पूछता है, तो हम जो भी हमें रेंज चाहिए 10.0.1 से लेके
तो एंडिंग आईपी कितने चाहिए हमें इस डीएचसीपी में, तो हम वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से 10.0.0.254 हम यहाँ पे दे देते हैं कि इस बीच में हमें आईपी चाहिए। ठीक है, तो उसकी लेंथ को मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। सबनेट मास्क जो है हम इसका, जैसे कि क्लास ए है तो 255.0.0.0 इसको सबनेट हम रहने देते हैं। तो हाँ ठीक है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही मैं रहने देता हूँ क्योंकि ये हमारा क्लास ए एम आईपी एड्रेसिंग हो गया। नेक्स्ट करता हूँ। हाँ, तो स्टार्ट आईपी क्या है, एंड आईपी, ऐड एक्सक्लूजन। यहाँ पे ये चीज़ क्या होती है कि अगर कोई आईपी आप यहाँ से छोड़ना चाहते हो, उस जो हमने एक से लेकर 254 सेलेक्ट किया, तो उसमें से कुछ आईपी हम छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारा सर्वर यूज़ करेगा, बाकी सारे आईपी जो है हमारे क्लाइंट यूज़ करेंगे, तो वो आईपी यहाँ पे आप दे सकते हो कि स्टार्टिंग दिस आईपी से उस आईपी तक। तो अभी भी आप यहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हो और चाहो तो आप बाद में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो कोई भी आईपी आप स्टार्टिंग जैसे नंबर से एंडिंग नंबर तक दे सकते हो, वो आईपी जो है क्लाइंट यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ सर्वर्स के लिए रिज़र्व हो जाएंगे, वही ऐड एक्सक्लूजन होता है। तो अभी मेरे को ऐड एक्सक्लूजन मैं करूँगा नहीं, मैं चाहता हूँ कि सारे मेरे क्लाइंट यूज़ करें। अभी देखिए लीज ड्यूरेशंस के अंदर, इसमें लीज ड्यूरेशन ये बताता है कि जैसे आपका जो आईपी है वो कितने दिन के बाद रिन्यू हो, 8 दिन के बाद या 10 दिन के बाद। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। यस, आई वांट टू कॉन्फ़िगर डीएचसीपी ऑप्शंस में, आई वांट टू कॉन्फ़िगर द ऑप्शंस नाउ। ओके, आप नाउ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे पूछता है, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे आपको क्या रखना है। मेरा जैसे 10.0.1 ये सर्वर है, इसी को डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरे क्लाइंट के लिए होगा। उसके बाद डोमेन नेम DNS, एक्चुअली मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा DNS कोई भी यहाँ पे, तो इसलिए DNS की मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं, अगर होता तो मैं यहाँ पे DNS के लिए एक IP जो है वो छोड़ देता यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद विन सर्विसेस भी हमारे पास नहीं चल रही, तो नेक्स्ट कर देता हूँ। एक्टिव स्कोप, तो इसको एक्टिव करना है, तो मैं अभी इसको यस आई वांट टू एक्टिवेट नाउ नेक्स्ट करता हूँ। तो स्कोप जो है आपका इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे देखिए स्कोप को एक्टिव दिखा रहे हैं। तो ये आपका जो है DHCP के अंदर स्कोप जो है कंप्लीट हो गया। ओके, अभी मैं जो वर्चुअल मशीन एक बना रखी है क्लाइंट, उस क्लाइंट को हमने जो है आईपी अभी ऑटोमेटिकली कैसे DHCP से मिलता है ये चेक करना है अभी हमने। तो सबसे पहले क्लाइंट में जाके कुछ एक सेटिंग करनी पड़ेगी आपको, DHCP उसका डिसेबल करना पड़ता है हमें। ये देखिए, इसकी सेटिंग में जाके नेटवर्क में जाके और वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्लिक करके DHCP सर्विस, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे अभी यहाँ पे आईपी कुछ और था, DHCP सर्विस जो थी वो यहाँ पे डिसेबल थी। ओके, अभी देखते हैं हम लोग कि DHCP जो है कैसे ये काम करता है। देखिए यहाँ पे आईपी दिखा रहा है, अलग आईपी है इसका मशीन का, जो मैंने पहले सर्वर का दिखाया था वो इससे टोटली डिफरेंट है। अभी आईपी कॉन्फ़िग मारता हूँ तो देखिए 168.254 ये इसका आईपी दिखा रहा है। तो अभी हमने इसको चेक करना है कि क्या हमारे DHCP से ये आईपी ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा। ओके, आईपी कॉन्फ़िग मार के कमांड देखिए, यहाँ पे पूरी कमांड डिस्प्ले हो रही है। अभी मैं इसका आईपी जो है रिमूव करके नया आईपी इसमें डालूँगा, आईपी कॉन्फ़िग / रिलीज, पहले आईपी को रिलीज़ करवा देते हैं। ओके, अभी पुराना आईपी रिलीज़ हो गया क्लाइंट का, अभी नेक्स्ट रिलीज़ से रिन्यू करवा देते हैं आईपी को। देखिए रिन्यू करते 10.0.0.2 ले लिए इसने, जो कि हमारे DHCP का आईपी है। इट मींस कि क्लाइंट जो है DHCP को एक्सेस कर रहा है। तो अभी DHCP में जाके आप देख भी सकते हो कौन कौन क्लाइंट जो है हमारी आईपी को यूज़ कर रहा है। IP4 में गए, स्कूप में गए, तो यहाँ पे देखिए एड्रेस बुक में गए, ये देखिए यहाँ पे, हाँ एड्रेस ये देखिए लीज 10.0.0.2 ये दिखा रहा है कि ये क्लाइंट जो है हमारा IPU है उसको यूज़ कर रहा है DHCP को। तो इस तरह आप एक DHCP कॉन्फ़िगर करके क्लाइंट्स को ऑटोमेटिकली जो है, अभी देखिए होस्ट नेम आप भी आप इसका चेक कर सकते हो कि वहाँ पे ये है या नहीं,
तो दो आदित्य इसका होस्ट नेम है, वहीं पे वो वहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये था आपका कॉन्फ़िगरेशन।